बहुत सारे वीडियोस में भी पहना है, लेकिन ये ख़राब है, पूरा पूरा काला हो गया है। ये देखो पूरा काला हो गया, लेकिन अच्छा लगता है। ये पहन लो कुर्ती, वाइट वाली कुर्ती पहन लो या जीन्स पहन लो, उसमें यही सिर्फ पहन लो, बस अच्छा लगता है। और इसके जैसे ही ये है, ये भी पूरे गले में फिक्स होता है, चोकर जैसे फिक्स होता है, ये भी बहुत अच्छा है। क्लिप है नहीं, लेकिन देखिए ये भी हमने अभी अभी परचेज करा है, ज़्यादा कुछ टाइम तो हुआ नहीं है, लेकिन पता है ये जिसके लिए हमने परचेज करा था तो हम पहन ही नहीं पाए थे, जिस फंक्शन के लिए हमने ऑर्डर करा था तो उस टाइम पर हम पहन ही नहीं पाए थे, लेकिन बहुत सुंदर था। इसके इसके साथ एक ना पॉलिथीन वाली कैरी वाली बैग आई थी, कैरी बैग आई थी, लेकिन हमने पता नहीं उसे कहाँ घुमा दिया, तो ये सिंपल सा है, तो हम इसे इसी में ऐड कर देंगे। अब है तो नहीं, इसके इयररिंग्स वगैरह हमें रख रखे हैं, जहाँ पर पूरे इयररिंग्स है वहाँ पर ही रख रखे हैं। और ये भी देखिए कितना खूबसूरत सा, ये हमें बहुत पसंद आया, हम इसे बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, जैसे हेयर बेल्ट के जैसे यूज़ कर चुके हैं, या फिर जब जुड़ा वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें भी हमने यूज़ करके रखा है, और बहुत खूबसूरत सा दिखता है, आप यकीन मानिएगा। जैसे एक साइड से भी हम सिर पर लगाते हैं ना तो वो भी अच्छा लगता है। हम अगर आगे कभी कोई फंक्शन में यूज़ आता होगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण नेकलेस है, ये हमें बहुत पसंद है, बहुत बहुत बार हम इसे पहन चुके हैं, और यही एक हाईलाइट है हमारे ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा, और तो कुछ है नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा इसे लेकर भी। और ये ज़्यादा महंगा तो नहीं था, 120 रुपये कुछ था, और इसके साथ इयररिंग्स भी काफ़ी बड़े बड़े आए थे, वो बहुत अच्छा लगा था। और एक ये है, पता नहीं हमें वो लक्ष्मी प्रिंट वाला बहुत ही पसंद है, आप कहीं पर भी देखेंगे तो लक्ष्मी का कुछ ना कुछ काम होकर ही है हमारे ज्वेलरी में, तो ये बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा फिक्स हो जाता है। और इसके साथ लॉन्ग वाला मंगलसूत्र पहन लो बस, साड़ी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक नेकलेस ये भी है, सबसे पहले हमने नेकलेस इसे परचेस करा था, परचेस नहीं करा था, हम रेंट से लेकर आए थे, हमारे घर पे जो रेंट पर रहते थे ना उनकी शॉप थी वहाँ से लेकर आए थे। फिर बाद में हमने सोचा कि जो हम लहंगा बनाए थे घर पे खुद बनाए थे तो उस पर कैटवॉक करना था, तो हमने इसको ऐसे ले लिया था, लेकिन फिर बाद में लगा तो ये ड्रेस तो रहेगा ही ना, तो इसे हमने बाद में परचेस करा था, पहले परचेस नहीं करा था, तो बहुत दिनों के बाद परचेस करा था। सबसे परचेसिंग पहली ये है हमारे जीवन में, अगर नेकलेस की बात करें तो इसे इसी में ही रखेंगे, क्योंकि ये सही कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, अभी भी अच्छा ही है इस वजह से। और ये है ये हमारे हस्बैंड है ना, तो उनके एक जोधपुरी ड्रेस है, तो उनके ऊपर ये मिला था, उसके ऊपर ही पहना था, तो उन्होंने एक बार ही पहना है, लेकिन हमने इतना यूज़ कर चुके इसके, कहीं तरह नेकलेस गले में पहन लिया है, हेड पे लगा दिया है, कमर में बांध दिया, बहुत तरह का हमने इसका यूज़ कर लिया है, तो अभी भी अच्छा है, लेकिन हम नहीं चाहते इसके स्टोन ख़राब हो जाए, क्योंकि अभी 5 साल हो चुके हैं शायद से इसे भी। और देखो कभी भी जब हम कलेक्शन करते हैं तो एक इकट्ठा नहीं होता है, काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, ऐसे नहीं बोल सकते कि आज कलेक्शन करना है तो चलो चले मार्केट में और लेकर आए, ऐसा कुछ होता नहीं है, धीरे धीरे करके करना पड़ता है ताकि वो बोझा जो है ना अपने आप पर नहीं हावी हो जाए। और ये देखिए आप इसे देखेंगे, ये बहुत पहले ये बहुत पहले जब नया नया फैशन आता तो सबके ज्वेलरी कलेक्शन में ये आया ही होगा, चाहे ये हाथ में पहनते थे पहले ना, बाबरे पहले के दिन याद है कि इसे हाथ में पहनते थे, हमें याद है एक सीरियल प्यार है शायद कहता ये इश्क है, ऐसा कुछ एक सीरियल चला था बहुत पहले, तब ये फैशन आया था, तो उनको देखकर ही हमने लिया था, और बहुत बार पहने हैं, बहुत बहुत पहन, तब पतले भी थे तो सब में चल जाता था, जीन्स पहनते थे तो सब में चल जाता था, हाथ में पहन लो चाहे गले में डाल दो चाहे एक नॉट लगा दो या कमर में डाल दो, सब चलता था, लेकिन अब थोड़े से रिस्ट्रिक्शन आ गए हैं, आए तो नहीं है शायद, लेकिन हमने ही खुद को मना लिया है इस बात को। और ये देखिए ये हमने साड़ी के लिए परचेस करा था, और शायद ये उस टाइम पे सिर्फ 100 रुपये का था, अभी भी शायद 100 रुपये का ही है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है ये पहनेंगे, एक तो फ्यूजन हो जाएगा, बहुत अच्छा लगता है, इसके बारे में आपसे क्या ही कहूँ, ये सबसे फेवरेट है, लेकिन फिलहाल हमने रहे हैं, लेकिन जब भी पहनेंगे वहाँ के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो ये दोनों भी हमारे फेवरेट है, दोनों भी ऐसे नहीं कि ये है, और इसके साथ ही ये और ये दोनों भी हम इकट्ठा लिए थे, और इसके साथ एक ड्रेस भी लिया था, शायद बटरफ्लाई कहते हैं उसे, और वो ड्रेस हमने, अब देखो ये ज्वेलरी सामने आ रही तो वो भी सीन हमारे आंखों के सामने चल रहा है, ये भी हमने बहुत बार पहना है और अभी भी पहन रहे हैं, कोई भी हमें परेशानी नहीं है, हम बहुत बार पहन चुके हैं इसे, और बहुत ही अच्छा है, शायद ये वुडन का है, इस वजह से इतने साल ये हुआ, हमें याद है जब हम फर्स्ट टाइम में नागपुर में आए थे शॉपिंग करने के लिए, फैशन डिज़ाइनर का शो था तो हम परचेसिंग करना चाहते थे, तो हमारे गांव से नागपुर ही ऐसा गांव था, ऐसी सिटी थी जहां पे सब कुछ मिलता था, तो हम उसी टाइम पे हमने एक फ्रेंड के साथ आए थे, तो उस टाइम पे हमने इसे परचेस करा था। इसके साथ ये भी काफ़ी बार हमने पहन चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है, साड़ी पहन लो, एक वेस्टर्न अगर लुक देना चाहते हो तो इंडियन के साथ वेस्टर्न अगर क्रिएट करना चाहते हो तो इसे पहन लो, बस हो गया।
ये कहीं पार्टी थी तो हमने उस टाइम में खरीदा था। बहुत अच्छा है ये और बहुत अच्छा लगता है ये हमें पहनने के, यही पहन लीजिए बस हो गया। और ना इस ये पहनने के बाद आपको इयर रिंग्स की भी ज़रूरत नहीं है, यही काफ़ी हाईलाइट हो जाता है कोई भी ओकेजन पर, कोई भी कहीं पर भी जाना होता है तो उस टाइम पर। एक ये बहुत ही प्यारा है, बहुत खूबसूरत सा है, हमें बहुत पसंद है ये और हमें इसका बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। हमने इसे माथे पर भी लगाया था, कहीं जाना था कुछ भी नहीं था, ना फ्लावर थे कुछ भी था, जुड़ा बनाया था तो उसको हमने अच्छे से ऐसे स्टिक करा था जहाँ पर चोटी होती है तो वहाँ पर बहुत अच्छे से स्टिक करा था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि गले की चीज़ें गले में ही पहनना चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड करती है कि कैसे पहन सकते हैं कैसे नहीं पहन सकते हैं, आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जाना सबसे बड़ा खजाना बताओ, ये हमने हमारे हाथों से बनाई है और बहुत क्रिएटिविटी के साथ बनाई। देखो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ये है मनी है और हमने एक ही धागे में पिरोया है। और ये भी देखिए, ये भी हमने बनाया था, लेकिन देखो ये सबसे पहले हमने बनाया था तो देखो हमें सही से ये नॉट नहीं लगानी आई है, लेकिन अच्छा लगता है ये, सिर्फ गले में डाल दीजिएगा। हाय अब तब बजट के अकॉर्डिंग चलता था तो ये सिर्फ शायद 50 रुपये की माला आती थी जिसमें ये बन सकता था, उसके अलावा कुछ बन तो नहीं सकता था। ये भी ये महंगी थी, इससे ये महंगा था। और देखो ये डिफरेंट टाइप का लिया है और काफ़ी मनी जब जैद करके बनाया था, हालांकि अभी रेडीमेड मिल जाता है, बहुत अच्छे से मिल जाता है। और ये से बनाया है और ये देखो ये भी काफ़ी अच्छा है। और पता है जीन्स वगैरह पहन लो और इसे गले में डाल दीजिएगा, बस हो गया। और ये बहुत पसंद है हमें, ये हमने गोवा से परचेस करा था जिस टाइम पर हम घूमने गए थे तब परचेसिंग है। और देखिए अभी तक जैसे कि वैसे ही है, कुछ भी खराबी नहीं हुई। और पता है हमारा क्या हो जाता है ना, खराब होने के चक्कर में हम पहन नहीं पाते, हमें लगता है कि नहीं खराब हो जाएगा तो रहने दो करके, ऐसा होता है। शायद आपके साथ ऐसा होता है कि पता नहीं, हमारे साथ ऐसा ही होता है कि जो चीज़ एकदम फेवरेट हो जाती है तो उसे हम थोड़ा सा दरकिनार कर देते हैं, ऐसा लगता है कि वो सालों साल ऐसी ही रहे। हालांकि हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमें पसंद है तो उसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए ना, जब तक हमारा मन संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक यूज़ करना चाहिए, लेकिन पता नहीं हमारे थोड़े से अलग ही चलते हैं। शादी का है ये और जो साड़ी हम लिए थे उसके ऊपर ये मैचिंग होता था, उस टाइम पे इतनी समझ तो नहीं थी, एंड मोमेंट पे हमने इसे परचेस करा था। तो देखिए ये ख़राब हो चुका है, काफ़ी ख़राब हो चुका है, इसके स्टोन निकल गए हैं, बहुत ही ख़राब हो चुका है ये, लेकिन हमने इसे याद के तौर पर रखा है। और ये है इसकी बिंदिया, यही हमने बिंदिया पहनी थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये अभी ख़राब हो गया है। तो अभी देखे या याद के तौर पर एक अलग कोना बना लेते हैं जिसपे हम जो भी चीज़, क्या ही मोह माया है ना कि सामान को संभाल के रखो, लेकिन जो चीज़ें लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती तो उसे हम डिस्कार्ड तो नहीं कर पाएंगे ना, थोड़े से सेंटिमेंट हो जाते हैं, इंसान थोड़ा सेंसिटिव हो ही जाता है ना कि कुछ चीज़ें जो शायद वो सब चलता है कि हमने इसे कैसे हासिल किया था, हम कैसे लिए थे, हम कहाँ गए थे, कहाँ से शॉपिंग करे थे, सब कुछ ये यादें ही तो होती है ना जो जीने का सहारा बन जाती है एंड ऑफ द डे। और एक ये पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते, लेकिन हम इसे बोलते हैं वाशिंग। और पता है ये जो आते हैं हमसे तो बात ही नहीं हो पा रही है, एक सेकंड, हम इससे पहले खोल दें फिर आपको बताएंगे। ये है बाशिंग और इसी से ही वो मंडप में जब दूल्हे आते हैं ना तो इसे पहनकर आते हैं दो जोड़ी के साथ, और इसे एक वो दोनों भी पहनते हैं और एक दुल्हन को दिया जाता है जब शादी कंफर्म हो जाती है, शादी हो जाती है, मंगलसूत्र वगैरह डाल दिया जाता है, साथ फेरे वगैरह लिए जाते हैं। तो उस टाइम पे देखिए इसके कलर वगैरह कितने, मतलब पूरा कलर तो निकल गया है, फिर भी हमने इसे संभाल के रखा है एक याद के तौर पर, और कुछ है नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है ना। और ये अच्छा भी है और बहुत, हमारे पास लव्स नहीं है लेकिन अच्छा लगता है इसे देखकर। और ये सबसे फेवरेट हमारी पायल है, यही बात आती है ना खराब हो जाएगी करके रख रखी है, हालांकि बहुत ही अच्छी है और जैसे कि वैसी है, कुछ भी इसमें खराबी नहीं हुई है। और देखते हैं कभी पहनेंगे, यही कह के हम सामान को जमा करके रखते हैं, पूरा क्लटर बना के रखते हैं, हम इसे ही डब्बी में रखेंगे। ये थोड़े से ये अलग मूवमेंट है तो हम इसे नहीं डिस्कार्ड कर पाएंगे, हम शायद आगे चल के हो सकता है, एक टाइम के बाद हो सकता है वैलिडिटी खत्म होने पर, लेकिन अभी भी सेंटिमेंट थोड़े से है तो अभी नहीं ये कर पाएंगे, इतनी तो हिम्मत अब है नहीं हमारे पास। तो हम जो यादें के चीज़ें हैं हम इसमें एक अलग के रखेंगे, अलग करके रखेंगे, और क्या, क्योंकि ये पहनने में काम तो नहीं आएगा, खराब हो चुके हैं और ये जीवन में एक ही बार पहन सकते हैं, वो भी दूल्हा लाएगा तभी बस, पता नहीं। ये भी एक नेकलेस है और ये इसी डब्बे में आया था तो हम इसी में रखेंगे, हम इधर उधर नहीं करेंगे क्योंकि हाँ थोड़ी सी जगह का इशू हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, मतलब इसमें रहेगा तो सही कंडीशन में रहेगा, और वो पॉलिथीन में रखने का तो कोई ये ही नहीं बनता। इसके साथ ना इयररिंग्स भी आए हैं, बहुत खूबसूरत से इयररिंग्स हैं, और ये बिंदिया भी है इसके साथ, ये खूबसूरत सा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हम इसे यहाँ से नहीं हटाएंगे, यहीं पर अच्छा लग रहा है तो यहीं पर रखेंगे। अब सब कुछ सामान तो सेट कर ही दिया है तो इस पाउच में भर देंगे।
ये पॉलीथीन कैरी बैग है जो स्टिक के साथ आती है, चिपकती है एक साइड से, और ये हमने परसों के दिन लाई है। अभी इसी में डालकर हम पूरा पैक करके रख देंगे ताकि कोई भी ज्वेलरी डिफेक्ट ना हो और कोई भी स्टोन ख़राब ना हो। छोटे मोटे लाए हैं, एक इयररिंग्स के लिए और दूसरे बड़ी ज्वेलरी है ना उसके लिए। देखिए बड़े में ये भी है, लेकिन देखो ये भी बहुत खूबसूरत सा है। हमने चारों बहना ने और क्या भाभी को भी हमने खरीद के दिया है। चारों बहना ने और भाभी को भी हमने खरीद कर दिया था, बड़े बड़े पिताजी के तरफ से है ये। उन्होंने दीपावली मेला लगा था उस टाइम पे हमने इसे परचेस करा था, लेकिन देखो हमारा टूट गया है तो हम इसे रिपेयर करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा ये और अच्छा लगता है ये, तो हम इसे रिपेयर करेंगे, तो इसे अभी साइड में रख देंगे। और छोटे में जो ये जो आपको दिखाए थे ना, इसमें ये वाला भी है, ये भी हमने ऑनलाइन परचेस करा था, कहीं कुछ खरीद रहे थे तो ये दिखा, तो उस टाइम पे ये हमने खरीदा था। बहुत चीप प्राइस में है ये, 120 या 150 के करीबन है। और इसके साथ इयररिंग्स भी मिले हैं और कुछ एक ब्रेसलेट मिला है शायद हाथों में पहनने वाला, ऐसे ही मंगलसूत्र वाला, सिंपल से एक छोटा सा ये इस टाइप का ये है डालकर उस पर, पता नहीं वो ब्रेसलेट किस में होगा। तो ये भी टूटा है तो इसे भी अब रिपेयर करेंगे। देखो कितने सारे रिपेयरिंग का काम यहाँ पर पड़ा है। और ऐसे जिप लॉक बॉक्स के साथ साथ ना ये ऐसे पॉलिथीन वाली छोटी वाली बैग भी होनी चाहिए थी, ताकि ये जो गले के ये जो है ना वो उलझे ना एक दूसरे के साथ। लेकिन अभी है नहीं फिलहाल, तो अभी तो पूरा पैकिंग करके रख देंगे, जब भी हमारे पास होगा तो हम यहाँ पर फिर से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो एक ये पाउच हो गया, छोटे वाले पाउच में ये सभी छोटे वाले आ जाएंगे। ये शॉर्ट वाले हैं ना, चोकर वाले हैं, तो उसी में हम इसे रख देंगे, क्योंकि ये हमारे पास ज्यादा नहीं है, दो ही है ना इस वजह से। ट्रांसपेरेंट है तो देख सकते हैं ना कौन से चीज है कौन से क्या है। तो अब आते हैं नेकलेस के इस पे। तो देखिए हमारे पास ज्यादा तो नेकलेस चीज का यूज नहीं होता है ना, वो पहले डाल देंगे, जैसे कि ये ओकेजनली यूज होता है, जैसे फंक्शन वगैरह होता है तभी हम यूज करते हैं, ऐसा कुछ हर बार तो जाना आना तो नहीं होता है। जैसे कि ये भी, तो एक ऐसे रखिए ऐसे, और ये भी वेस्टर्न ज्वेलरी है जो कभी कभार ही काम आती है और पाउच में है, तो हम इसे भी ले सकते हैं या इसे ही लेकर कहीं जाना आना ट्रैवल कर सकते हैं। पता नहीं इसमें आएगा कि नहीं, इसमें तो इसी में पैक हो गया है। और ये मंगलसूत्र है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार यूज़ होता है और डेली बेसिस पे यूज़ होता है, तो लेकिन ये लॉन्ग वाला होता है, ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम इसे ऊपर साइड में रखेंगे। और ये ओकेजनली होता है, चोकर वाला तो हम इसे नीचे रखेंगे, और ये जो सबसे वाला है ना वो ऐसे रखेंगे। पता है आ गया है जैसे, सबसे अच्छा लगा ये हमें। देखिए थोड़ा हेवी तो हो गया ऑब्वियसली, लेकिन पूरा सामान इसमें आ गया है। हर बार क्या होता था ना, ये देखिए ये इसमें था और इसमें था, बहुत सामान जो थे हम तो ऐसे ही रख रखे थे, कुछ सामान यहाँ पर रखे थे तो बहुत जगह घेरते थे, और ये तो खुले में ही पड़ा था जिसकी वजह से पूरे जो मंगलसूत्र उसके थोड़ा सा पॉलिश खराब हो गई है। लेकिन इसमें देखिए पूरा सामान आ गया, और लग ही नहीं रहा कि इतना सारे ड्रॉर का सामान हमने खाली कर दिया है। उसमें से भी दो पाउच बचे हैं जो शायद हम कहीं और यूज़ करेंगे, लेकिन पूरे जो गले के जो भी है नेकलेस वगैरह सब कुछ है जो मंगलसूत्र सब इसी में ही आ गए हैं। और हमें थोड़ा सा फंक्शनलिटी के साथ सही लगा, क्योंकि देखो वो हर बार का वो ये निकालो एक के ऊपर एक स्टॉक करके रखते थे, जैसे ऐसे 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 रखते थे, तो ये वाला निकालना होता तो फटाक से निकाल देते थे, कभी कभी इधर उधर हो जाता था, क्योंकि हमारा जो ड्रेसिंग एरिया है वहाँ पर ज़्यादा जगह है नहीं है। इस वजह से हमने सोचा, बहुत दिनों के बाद हम सोच रहे थे कि करेगा ना नहीं करे, क्योंकि ओवरऑल बजट थोड़ा सा हाई हो रहा था, तो लेकिन वो जो समय की मांग होती ना वो बहुत जरूरी हो गई थी। बहुत हमने कार्टन बनाए थे जैसे आपको दिखाऊंगी आगे भी, लेकिन वो फंक्शन से काम ही नहीं होता था। कार्टन बॉक्स को हम ज़्यादा हिला नहीं सकते थे, वो टूटने का डर रहता था। प्लास्टिक बॉक्स हम ज़्यादा यूज़ कर करके पूरे ये खराब हो गए हैं। पूरे देखिए पूरा इसका कलर डिफेक्ट हो गया है, पता नहीं खराब हो गया किसी किसी तो ये टूटी गया है। लेकिन जोर टाड़ करके तो खींच ही रहे थे, लेकिन हमें लगा कि नहीं, क्योंकि कहीं जाना होता तो पूरा हम मेस कर देते थे, वैसे सामान निकालो जैसे
हेयर ब्रश निकालो, ड्रायर निकालो, वहीं पर डाल देते थे। बहुत उसका वायर अलग, सब कुछ अलग हो जाता था, तो हमें लगा नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि अगर टाइम बचाना है तो आपको फंक्शनलिटी के साथ जाना पड़ेगा। इस वजह से हमने शुरुआत तो करी है, पता नहीं पहली शुरुआत तो सही हुई है, अच्छी सी हुई है। दो पाउच भी बचे थे, शायद ये भी हम रख सकते थे, लेकिन हमें लगा कि इसमें सही है। और ये स्टोन भी है ना, तो हम नहीं चाहते उसमें खराबी आए या कुछ, मतलब कभी कभी होता है ना ऐसे गिर जाएगा या कुछ हो जाए तो ये थोड़ा मार लगेगा तो खराब हो जाएगा ना, इस वजह से हमने इसी में जो अच्छा रहता है, जो अच्छा है मतलब जो गिरने से टूटने से गिरने से या कुछ होने से कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही हमने रखा है। बाकी तो आपके साथ शेयर तो करते ही रहूँगी। थैंक यू सो मच।